हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नायशा किचन। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दिवाली की एक स्पेशल मिठाई की रेसिपी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बेसन बादाम की टेस्टी सी बर्फी। तो देखिए, आज की रेसिपी इसलिए बहुत स्पेशल है, ये मेरी मॉम की रेसिपी है। ये बचपन में मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ली है कढ़ाई और उसमें हम डाल देते हैं एक कप घी। तो आप किसी भी कप का मेजरमेंट यहाँ पे ले सकते हैं। तो चलिए इसके साथ ही हम यहाँ पे डाल देते हैं एक कप बेसन। तो अब हमें इसे अच्छे से चला लेना है। तो जब तक कि हमारा बेसन अच्छे से सिक नहीं जाता और थोड़ा सा फूल नहीं जाता, तब तक हमें इसे इस तरीके से चलाते रहना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको लो फ्लेम पे ही सेकना है। तो चलिए इसके साथ ही अब हम ले लेते हैं एक कप बादाम और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो बेसन हमारा सिक चुका है, बादाम को हमने पीस लिया है मिक्सर में और चलिए अब डाल देते हैं इसे बेसन में। तो देखिए बेसन कितनी अच्छे से फूल गया है, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम का पाउडर। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसे भी चला लेते हैं और अच्छे से पका लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपके बेसन की हो जाएगी। आपको लगेगा थोड़ा गाढ़ा सा हो गया ये। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद में आप यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप दूध। तो यहाँ पे आपको उबला हुआ दूध ही यूज करना है, आप उसे ठंडा करके भी यूज कर सकते हैं। तो जिस कप से आपने बेसन को मेजर किया था उसी कप से आपको दूध लेना है। तो बिल्कुल अच्छे से आपको इसे मिला देना है जब तक कि सारा दूध जो है वो बेसन में एब्जॉर्ब नहीं हो जाता। तो देखिए, बहुत ही बेसिक सी मिठाई है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स भी हम नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर या जो भी आपको पसंद हो कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता रही हूँ जैसे मेरी मॉम बनाया करती थी। तो चलिए अब लास्ट में हम यहाँ पे डाल देंगे 1 कप चीनी। आप चाहें तो दूध के साथ भी चीनी डाल सकते हैं, जब आपने दूध डाला था तब भी आप चीनी डाल सकते हैं, और चाहें तो आप लास्ट में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। सो बस अब चीनी पिघलने तक हमें इसे अच्छे तरीके से मिला लेना है। आप चाहे तो चीनी का पाउडर भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती आप इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे। तो कुछ इस मोशन में आप मिलाते रहेंगे जिससे कि चीनी अच्छे से पिघल जाएगी। सो फाइनली अब हम इसमें डालने वाले हैं 2 से 3 बड़े चम्मच घी। तो बस अब मिला लेते हैं इसे भी। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। मैं इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेसिक तरीके से बना रही हूँ। तो चलिए अब ये बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके पास घर में जो इंग्रेडिएंट्स हैं आप उसी से आराम से इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ले लेते हैं एक प्लेट या ट्रे और उसको हम ग्रीस कर लेंगे घी से। तो इस तरीके से आप घी लगा देंगे और अच्छे तरीके से इसको ग्रीस कर देंगे। तो आप चाहें तो ब्रश से भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं। तो चलिए अब अच्छे तरीके से इसे सेट कर देते हैं इसमें। इस तरीके से आप इसे स्प्रेड कर देंगे। तो इसके बाद आप इसे आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो चलिए अब देखते हैं आधे घंटे बाद कैसी है हमारी मिठाई।
तो देखिए बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब हमें बस इसके पीसेस काटने हैं। आप अपनी पसंद के कैसे भी पीसेस इनके कट कर सकते हैं। तो बस हमारी टेस्टी सी और बहुत ही सिंपल सी मिठाई बिल्कुल तैयार है। आप चाहे तो इसे नारियल के बुरादे से या किसी भी ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। मैंने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसे इस बार दिवाली पे ज़रूर ट्राई करना। तो देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी मिठाई और बहुत ही टेस्टी भी। तो आई होप आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये कैसी लगी। तो ऐसी ही नई नई और टेस्टी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप चाहें तो मुझे सजेशंस दे सकते हैं आप कौन सी नई रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।